उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। यहाँ पर फटी जीन्स, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महिला हो या पुरुष, अब अमर्यादित वस्त्रों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले से पहले यह फैसला लिया गया है। दक्ष प्रजापति और नीलकंठ महादेव दोनों ही मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से संचालित होते हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यह घोषणा की थी कि मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वस्त्रों की मर्यादा जरूरी है। इसके बावजूद अक्सर अमर्यादित कपड़े पहनकर लोग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच जाते थे, जिसके बाद दोनों ही मंदिरों के अखाड़ों ने सख्त कदम उठाते हुए यहां बाकायदा पोस्टर और शाइन बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं को साफ चेतावनी दी है। इसके बाद अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने भी उत्तराखंड के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने को सही ठहराया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत ही विभत्स लगता है जब महिलाएं छोटे कपड़ा पहन करके और राम भगवान के दर्शन करने जाते या किसी भी देवी देवता के हो, तो ये उचित नहीं लगता। इसलिए उत्तराखंड में जिस प्रकार से यह निश्चित किया गया है कि किस प्रकार से कपड़े पहन करके जो हमारी भारतीय सभ्यता रही, प्राचीन सभ्यता रही, वह इसी रूप में रही, पूरा शरीर ढकी रहती थी महिलाओं का विशेष रूप से, लेकिन अब नया युग में वो नहीं है। लेकिन और जगह यदि नहीं तो कम से कम मर्यादा रखने के लिए मंदिरों में इसकी व्यवस्था होना चाहिए और छोटे कपड़े पहन करके न पुरुष और न महिला कोई भी देवी देवताओं का दर्शन न करें। ऐसा जो उत्तराखंड में लागू हुआ है वैसे पूरे देश में भी लागू हो जाना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वही कानून यहाँ भी लागू करें, जिससे कि किसी प्रकार की विभत्सता न हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनुचित दिखाई न पड़े छोटे कपड़े पहन के जाने वाले को, और विशेषकर मंदिरों में। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है वैसे पूरे देश में हो जाना चाहिए।